हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। आइए जानते हैं डिस्टेंस आखिर होता क्या है। हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस मूव करती है विदाउट एनी डायरेक्शन, जब हम उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस क्या हो गया, आप अपने स्कूल से घर तक आते हो तो जो भी आप पाथ कवर करते हुए घर आते हो उसको आप डिस्टेंस कहते हो। वहीं इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन मैटर करती है, पाथ मैटर नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या होती है, हाउ फार एंड इन विथ वॉट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव फ्रॉम इट्स स्टार्ट पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन, फाइनल पोजिशन और स्टार्टिंग पोजिशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वही अगर हम पाथ को अगर कंसिडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जो एरोप्लेन आपने देखे हैं, एरोप्लेन इतना फास्ट क्यों ट्रैवल करता है, क्योंकि एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट करता है। एरोप्लेन जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है और वहाँ पर अगर एरोप्लेन भी अगर डिस्टेंस की तरीके से मूव करेगा, मतलब कि गोल राउंड ऐसे वैसे मूव करेगा, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। बट एरोप्लेन फास्टर इसीलिए है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ट्रेन से हमें टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ट्रेन क्या करती है, ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती है। बट एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिस वजह से एरोप्लेन में कम टाइम लगता है, एरोप्लेन फास्टर होता है। आप अगर किसी के चार घर बने हुए हैं जैसे कि ऐसे, ठीक है, आपको बी पॉइंट पे पहुंचना है, ये पॉइंट है, आप ऐसे करके ये ऐसे 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 जाओगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये आप जो पाथ कवर किए हो ये डिस्टेंस कहलाएगी ए टू बी। बट अगर वहीं पे आप ए से बी तक आप घर तोड़ते हुए चले जाओ, पहले घर तोड़ा, दूसरे घर तोड़ा, तीसरे घर तोड़ा, चौथे घर तोड़ा, आपने सबके घर तोड़ते हुए बी तक पहुँच गए, तो वो जो इतना जो आपका पाथ ट्रैवल होगा फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी और ये आपकी डिस्टेंस कहलाती है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था। थैंक यू सो मच।